अब ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये है महिंद्रा बुलेरो, जिसको कस्टमर अपनी मॉडिफाई करवाना चाहता है। मॉडिफिकेशन कैसे करना चाहता है, बीच से काट के पीछे जिप्सी जैसा स्टाइल बनाना चाहते हैं। अब वो क्यों चाहते हैं वो उनकी खुद की मर्जी है। अब देख सकते हैं आप कितना सारा डेंटिंग पेंटिंग का काम हुआ है, बॉडी को आधे में कट किया गया है, कट करने के बाद उसको फिनिश वर्क दिया है, फिनिश के बाद वेल्डिंग का काम हुआ है, फिनिश किया गया है उसको, उसके बाद आगे बहुत सारा प्रोसीजर होने वाला है। आप देख सकते हैं गाड़ी का जो टायर है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब इस गाड़ी को एज ए ऑफ रोड व्हीकल के तौर पे यूज़ किया जाने वाला है या फिर सफारी टूरिंग के लिए इस गाड़ी को यूज़ किया जाने वाला। गाड़ी का बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं इस तरीके से मॉडिफाई करने का सोचा, जो एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि बोलेरो के अंदर सब लोग चाहते हैं कि गाड़ी और बड़ी दिखे। यहाँ पर कस्टमर चाहते हैं कि गाड़ी और छोटी दिखे और कॉम्पैक्ट दिखे और उसमें पीछे की तरफ बेंच सीट्स आ जाएं। तो अब देखते हैं गाड़ी मॉडिफाई होने के बाद कैसी लगती है। देखो उस टाइम पे जो आपने गाड़ी देखी थी वो यही वाली गाड़ी थी, इसी को मॉडिफाई कर रहे थे। उस टाइम पे जो आपने गाड़ी देखी पीछे से बहुत ही रफ था, कटा हुआ था, और ये दरवाजा है यहाँ पर भी आपने बहुत सारा रंग देखा था, बहुत सारे कटा हुआ चीज़ें देखी थी। लेकिन आज के टाइम पे ये गाड़ी पूरी फिनिश्ड है। अभी गाड़ी इतनी गंदी क्यों है, क्योंकि बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी और वहाँ से इसको यहाँ पर लेके आने, आप देख पा रहे होंगे कीचड़ के निशान बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो अब आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। एक्चुअली में इस गाड़ी का जो छत है यहाँ से लेके पूरा आता है, आपको पता है बोलेरो क्या होता है, ये फाइव डोर गाड़ी है, एक दो डोर यहाँ पर होंगे, दो यहाँ पर, एक पीछे की तरफ होगा। तो जो कस्टमर था उसकी डिमांड थी कि इसको टू डोर गाड़ी बनाया जाए या फिर यूँ कहें थ्री डोर गाड़ी बनाया जाए, पीछे की तरफ ओपन ओपन बनाया जाए और एक रोल केज लगाया जाए। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर इस गाड़ी को डिज़ाइन किया है। अब ये जो डोर है ये प्रॉपर एक फंक्शनल डोर है, आप देख पा रहे होंगे जैसा बोलेरो का आता है। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड डोर होता है उसको क्लोज कर दिया गया है। क्लोजिंग के टाइम पे देखिए फिनिश का इतना सही तरीके से किया है पूरा प्रॉपर। आपने पहले आपने देखा था कि यहाँ पर काफ़ी सारा अनफिनिश्ड वर्क था, लेकिन जब फिनिशिंग की बात आता है तो बहुत अच्छा निकल के आता है। अब इसे कॉस्ट के बारे में बात करेंगे और कितना टाइम लगा और कस्टमर की क्या क्या डिमांड थी उसके बारे में बात करते हैं। पहले गाड़ी को थोड़ा सीधे कर लेते हैं। और इंटीरियर में देखा जाए तो इंटीरियर में कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ बॉडी वर्क ही हुआ है, तो जो ओरिजिनल कस्टमर की गाड़ी थी वैसा ही है। तो इनकी गाड़ी आपने पहले देख चुकी है जो मारुति 800 को मॉडिफाई किया था, आज इन्होंने बोलेरो को मॉडिफाई किया है। अब जानते हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशन इसमें एक्चुअली में हुए हैं और कितना कितना खर्चा आया है। तो भाई साहब स्वागत आपका वीडियो हमारी फिर से। तो बताएंगे आप कस्टमर की डिमांड क्या थी और आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन किए हैं। कस्टमर की डिमांड सर यही थी कि इसको काट के पीछे का जो कैबिन पूरा इसका फुली ये कवर होता है, हाँ, इसको काट के हमने इतना इतना जैसे बनाया ये, हाँ, इसको कट करके इसको पीछे से कवर करना है और पीछे छोटी सीटें लगा के, हाँ, ये पाइप लगानी है। तो जो इसकी सीट्स थी वो यही वाली थी या दूसरी थी? नहीं, इसकी सीट्स दूसरी थी, ये हमने जिप्सी की सीट्स लगाई हैं। ओके, वो जिप्सी की सीट्स भी लंबी होती हैं, इसको काट के हमने ओके छोटा करके फिर इसमें फिट किया। अच्छा, और ये दरवाजा पूरा बंद कर दिया प्रॉपर्ली? ये दरवाजा हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे, हाँ, ये फिक्स करके हिंजेस लगे रहने दिए हैं, बस इसको फिक्स करके यहाँ वेल्ड कर दिया बस। अच्छा, तो अगर इसको ये पूरा बंद करवाना हो जाएगा? हो जाएगा, इसके बंद ही है वैसे, अब फिलहाल ये फिक्स ही है। अगर इसको हम पूरा वेल्डिंग करके यहाँ से कवर करना चाहते हैं ये जो गैप है, हाँ हाँ, ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, बस एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन हुआ है और अंदर कुछ हुआ है? अंदर कुछ नहीं हुआ, बस इन्होंने ये बॉडी का पीछे से बताया था कि काट के इसको कैबिन बंद करना, बस रोल केज लगाना है आपको। तो ये किस काम के लिए यूज करेंगे, कुछ आइडिया है? ये तो काम के लिए तो पता नहीं, फिलहाल अपने ऑफ रोडिंग के लिए शायद, थोड़ा बहुत इन्होंने गाड़ी को थोड़ा ऊपर भी उठा रखा है। ओके, हाँ, टायर्स भी चेंज किए हुए हैं, तो बाकी अपने शौक के लिए तैयार करिए इन्होंने बस। ये पेंट क्या कहते हैं, आपने खुद ही किया नहीं वाला पेंट सारा? ओके, एक्चुअली इसको काटने के बाद थोड़ा वेल्डिंग करने के बाद जो खराब हो जाता है उसको, हाँ, टचिंग करके, हाँ, नीचे नीचे का रहने दिया हमने, सिर्फ ऊपर ऊपर और ये कैबिन ये पेंट किया, ऊपर छत पेंट करी है। तो छत भी आपने काटी होगी यहाँ से? हाँ, यहाँ से काट के पूरा पीछे तक काट के, हाँ, ये जो डिक्की होती है ना, हाँ, डिक्की को इस पे यहाँ पे वेल्ड कर दिया, हाँ, डिक्की का जो शीशा था ओरिजिनल शीशा पीछे वाला वही है। ओके, दरवाजा भी वही होगा फिर जो डोर का पैनल है? हाँ, पैनल इतना इतना हमने काट के ये अलग से ऊपर वेल्ड कर दिया, इतना इतना पैनल काट के पीछे वाला डिक्की वाला, और नीचे अलग से आयरन की शीट लगा दी है। अच्छा, तो इसमें कुछ जंग लगने के चांसेस हैं? कौन सा मतलब कोई कोटिंग वोटिंग कर दी जिसमें जंग ना लगे? जंग लगने के चांसेस तो बहुत कम है वैसे, जैसे प्रोसेस चलता है पेंटिंग का वैसे ही करते हैं हम। ओरिजिनल जो सरफेसर से लेके 2K का ऊपर पट्टी और ऊपर NC पट्टी, फिर उसके बाद जो कवरिंग होती है पूरी 2K के पेंट की, हाँ, वही प्रोसेस पूरा करते हैं। जंग लगने के चांसेस बहुत कम है, लग जाता है पर बहुत कम चांसेस।
अच्छा, तो इसमें आप बता दीजिए फाइनली कितना खर्चा हुआ है? इसका खर्चा लगभग आपका सर आ जाता है कोई 30,000 से 35,000 रुपया इसका खर्चा आ गया इसका ना, सिर्फ ऊपर छत हटा के ये लगाने का पेंट करके बीच में। ओके, और सीट्स इसमें इंक्लूडेड है? सब कुछ इंक्लूडेड है? नहीं, सीट अलग से है। सीट कितने की पड़ेंगी? सीट आपको अगर जिप्सी की सीट लेंगे हम 5,000-6,000 की सीट आ जाती है दोनों ये। अच्छा, ये पुरानी है कि नई है? ये सेकंड हैंड है। अच्छा, और नई लें तो कितनी की आएगी? वही 6,000 के आसपास नई। अच्छा, डबल कॉस्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो आज इसकी डिलीवरी है पूरी? आज डिलीवरी है इसकी, अभी कस्टमर आए नहीं है, थोड़ी देर में आने वाले हैं। ठीक है, तो आपका नंबर बता दीजिए कॉन्टेक्ट करने का अगर आपसे कोई। 9915791579। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वही नंबर, सेम लोकेशन भी आपको वही मेंशन करो गूगल मैप्स के लोकेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मॉडिफिकेशन कराना तो डेफिनेटली आप भैया कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको आगे का प्रोसीजर बता देंगे कैसे कैसे वो आपको आपसे गाड़ी लेंगे और कब कब डिलीवरी देंगे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भैया से कॉन्टैक्ट करना है अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।